बिसमीम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स में खुश आमदेद स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर के लिए जो टॉपिक है वो है बुनियादी अकायद ये हमारे चैप्टर नंबर वन का फर्स्ट टॉपिक है तो इन तमाम बुनियादी अकायद को पढ़ने से पहले हम इसकी अहमियत को अकायद के मफहम को हम देखेंगे कुरान और सुनत में अगर इसके बारे में कोई हवाला दिया गया है तो हम पहले आज उसको डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकायद है क्या अगर इंसान अपनी तारीख का मुतारा करता है तो उसमें यह बताया जाता है कि अकायद को इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इवन इतनी ज़्यादा कि यह अकीदा ही है कि जिसकी बिना पर इंसान ने अपनी जान जो कि बहुत ही इंसान के लिए कीमती है उस तक की कुर्बानी दी है क्यों है ऐसा इसलिए कि ये अकायद जो जिसको जज्बात का नाम भी दिया जाता है जो नज़रिया भी होता है ये इंसान के दिल और दिमाग पर हावी होते हैं तो उसके बिना पर इंसान जो है वो अपने अकायद की खातिर अपनी जान की कुर्बानी भी देता है अब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इंसान बसते हैं हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद भी होता है और हर इंसान किसी न किसी जो है मज़हब का पैरोक भी होता है तो हर मज़हब ने अपने पैरोकारों के लिए कोई ना कोई तालीमत जो है वो अकायद की शक्ल में उनको फराम की हैं तो जहाँ तक मज़ब इस्लाम का ताल्लुक है तो मज़हब इस्लाम ने भी अपने पैरोकारों के लिए कुछ अकायद की सूरत में तालीमत उनको फराम की हैं अब उसमें जो तलीमत हैं या अकाद की शक्ल में हमारे सामने जो आता है अल्लाह ताला की वाहदानियत उसमें आ जाता है इंसान जिसको इस दुनिया में भेजा गया है उसने क्या कुछ करना है किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए दीन पर अमल करते हुए दुनिया और आख़रत को कामयाब बनाना है इसके अलावा मरने के बाद के हवाले से देखें ये तमाम कुछ मज़हब इस्लाम के पैरोकारों को अकायद की शकल में फरहम किया गया है तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये अकायद यहाँ पर जो लिखे हुए बुनियादी अकायद अकायद जो लफ्ज़ है ये जमा का सीगा है इसका वाहिद अकीदा है और ये लफ्ज़ अकीदा ये अकद से बना है जिसका मानी बांधना गिरह लगाना होता है ठीक है और निकाह के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये अकद का लफ्ज़ निकाह के लिए भी है जहाँ तक अकीदा का मफहम आ जाता है तो अक़ीदा का मानी फिर हो जाता है बांधी या गिरह लगाई हुई चीज़ देखिये आप जिस जब किसी चीज़ को बांध देते हो तो मतलब कि वो चीज़ जो है वो महफूज हो गई है ठीक हो गया तो यहाँ पर फिर अकीदा का जो असलाह मफोम बताया जाता है वो फिर ये है कि इंसान के अटल और पुख्ता नज़रियात को अकायद कहा जाता है ये फिर अकायद ही होते हैं कि जो इंसान के फिर दिल पर भी उसके दिमाग पर भी हुक्मरानी करते हैं फिर ये होता है कि हम जो भी काम करते हैं ना कोई भी ज़िंदगी का तो हमारा हर काम हमारे नजरियात का अक्स होता है ये हमें मोटिवेट करते हैं यानी हमारे अकायद ही हमें मुख्तलिफ़ काम करने पर उभारते हैं ठीक है अब इसमें जहाँ तक ये उभारने की बात हो रही है अब देखिए ये जो नज़रिया ये जो अकायद है ये इसको नजरिया भी कहा जाता है ये इरादा भी है और ये सोच का नाम भी है ये इरादा नज़रिया ये सोच जो है ना इसका ताल्लुक हमारे दिल के साथ होता है ये जो दिल है उस हवाले से फिर आप देखें कि अगर हमारे दिल के जज्बात अच्छे होंगे हमारे काम भी अच्छे होंगे और अगर हमारी यानी सोच नज़रिया आप भी कह सकते हैं इसको कि अगर हमारी सोच है नज़रिया अच्छा है तो हमारे फिर काम भी अच्छे हैं लेकिन अगर हमारी सोच बुरी होगी तो फिर हमारे काम भी जो है उसी के मुताबिक ही बुरे होंगे और आप कह सकते हो कि बातिल यानी जितने भी काम होंगे अगर हम बुरी सोच के मुताबिक करेंगे तो बातिल काम ही कहलाएँगे तो दिल की जो बात कर रही हूँ इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है और अगर वो गोश्त का टुकड़ा सही है तो उसका पूरा जिस्म ठीक है लेकिन अगर उसके जिस्म में ख़राबी पैदा हो जाती है तो फिर उसका पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है तो फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये बस जान लो कि ये ये जो टुकड़ा है वो इंसान का दिल है तो देखिए यहाँ से बेटा पता चलता है कि हमारे जज्बात हमारे एहसास जो है ना ये इसका सर चश्मा हमारा दिल ही होता है ये आ, हमारे फिर जज्बात जो हमारे दिल पर हावी हो जाते हैं और फिर हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं हम चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल को हासिल कर लें हम चाहते हैं कि जो हमारी अकल है हम उसके मुताबिक बेहतरीन काम कर लें हमारी जितनी भी सलाहियतें हैं हम उनको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन तमाम कामों को करने के लिए हमें सही अकायद की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे हर अमल की जो बुनियाद बताई गई है ना वो अकायद ही हैं और अगर अकायद सही होंगे तो हमारे लिए कामयाबी भी है और हमारे ऐसे अमाल जो है वो फिर काबिल कबूल का भी होंगे ठीक हो गया अब यहाँ पर अकीदे को समझाने के लिए इसकी एक मिसाल भी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में अकीदे की मिसाल जो उन्होंने बीच के साथ दी है अब अक़ीदे का तो पता चल गया कि ये सोच होती है जैसी सोच होगी वैसा ही हमारा अमल होगा यानी हमारा काम होगा तो जो उसकी मिसाल बीच के साथ दी है देखिए अगर बीज चाहिए आम की गुठली अगर आपने बोई है ज़मीन में तो उससे जब पौधा निकलेगा तो वो आम का ही होगा और उसके ऊपर जो फल लगेगा वो भी आम का ही होगा आम ही होगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने गुठली जो है वो आम की बोई उससे जो है वो जामन या कोई और फल निकल है ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों ऐसा हुआ कि आम की गुठली को बोने पर आम का पौधा ही निकला इसलिए कि उस बीज के अंदर वो खूबी थी और वो खूबी जो उस पौधे के अंदर मुंतकिल हो गई ये यानी इसकी जो खसूसियात थी बीच की वो पौधे के अंदर मुंतकिल हो गई इसी तरह से अकीदा हमारा जो हमारी जो सोच है हमारा जो इरादा है हमारे जो जज्बात हैं जिस किस्म के होंगे हमारा अमल भी उसके मुताबिक ही होगा तो इसलिए कहा जाता है कि अकीदे की मिसाल एक बीज की सी है और अमल जो है वो उस बीज से उगने वाला पौधा है जाहिर है बीज में भी वही खसूसियात होंगी यानी पौधे में भी वही खसूसियात होंगी जो कि बीज में पोशीदा होंगी तो यही वजह है कि जितने भी अम्बिया कराम आए हैं उन तमाम अम्बिया कराम ने सबसे पहले जो काम किया वो अकायद की असलाह से ही किया है ताकि इंसान के अमाल को सही करने के लिए उनके अकायद को ठीक किया जाए अब कुरान पाक का हवाला हम देखते हैं कुरान पाक में इस हवाले से जो बताया गया है इशा बारी ताले सूरतुल्बरा में है वला किन्नल बिर्राम आमाना अब देखिए यहाँ पर जो है वो जो अकायद की बात की थी यहाँ इस आयत में कुरानी आयत में वो पूरे के पूरे पाँच अकायद बयान किए गए हैं मन आमन बिल्लही वल यौमिल आख़िरी वल का ती वल किताब वलनबीन तर्जुमे इसका देखते हैं और लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और आखरत के दिन पर और मलाइका पर मलाइका से मुराद फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर तो स्टूडेंट्स इस्लाम के जो बुनियादी अकैद बताए जाते हैं वो पाँच हैं यहाँ पर भी देखिए उन्हें पांच अक़ाद का इस कुरानी आयत में ज़िक्र मिलता है नंबर एक है अक़द तो तोहैद यानी अल्लाह पर ईमान लाना यानी अल्लाह ताला को एक मानना इसमें आ जाता है वल वयमिल आख़िरी ये उसका जो इस्लाम का दूसरा बुनियादी अकीदा है जिसको यौम आख़रत पर ईमान भी कहते हैं या आख़रत के दिन पर ईमान भी कहा जाता है ठीक हो गया उसके बाद बल मलाइका थी और फरिश्तों पर फ़रिश्तों पर ईमान क्या है मलाइका पर ईमान ये भी अकायद ईमानी में ही आता है उसके बाद नंबर चार पर आपके आ जाते हैं वाल किताबी और किताबों पर किताबों से मुराद है कि जितनी भी अल्लाह ताला ने मशहूर आसमानी इल्हामी किताबें नाजिल की हैं उन तमाम किताबों पर हमारे ईमान है और फिर साथ में एंड में जो आखिरी इसका जो पाँचवा किदा बताया गया वन नबी और नबियों पर नबियों से मुराद के अल्लाह तारा ने इंसानों के हिदायत के लिए जितने भी पैगंबर रसूल भेजे हैं उन तमाम पर हमारा ईमान लाजिम है अब देखिए ये जो अकायद हैं मैं अगर ये कहती हूँ कि अल्लाह एक है मैंने इस बात को जो ज़ुबान से कहा और दिल से मैंने उसका इकरार भी किया तस्दीक भी की है तो ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक जो है न ये ईमान कहलाती है और देखिए ईमान जो है ना ये अकायद जो है ये ग़ैब से इनका तल्लु गैब के साथ है हमारे मुशाहे भी नहीं आते ठीक हो गया तो यहाँ पर ये यह जो अकायद हैं इनको ईमानियात भी कहा जाता है इसी तरह से इसमें ये तो कुरानी हवाला था कि जिसमें इन पाँच बुनियादी अकायद को हमने देखा है उसके अलावा अगर हम लोग अदीस की तरफ आते हैं तो हदीस में भी एक मशहूर हदीस है जिसको हदीस जब्राइल कहा जाता है हदीस ज़ब्राइल उस इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उस में ये बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम जब साहब कराम के दरमियान बैठे हुए थे तशरीफ़ फरमा थे तो हज़रत ज़िराम उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे तो इस हदीस को हज़रत उमर बिन बिनालताब रज़ी तैन ने रिवायत किया है वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लम पर के पास यानी जब हज़रत ज़ब्राम आए तो हज़रत ज़ब्रम ने आप सल्ह से कुछ बातों के बारे में पूछा सवाल किया और जो कुछ जो सवाल किए थे उनमें से एक सवाल ये भी था कि ईमान क्या है अब देखें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फ़रमाया कि तू इस बात पर ईमान ला कि अल्लाह एक है ठीक है अल्लाह एक है फ़रिश्तों पर यानी उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाया यानी तू कह कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके पैगम्बरों पर और आख़रत के दिन पर तो देखिए बेटा यहाँ से हमें हदीस का हवाला भी मिल गया कि हदीस में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान या अकायद के बारे में जो बात की वो यही थी इन्हीं पांच अकायद के बारे में ही थी नहीं अगर आप इसको वैसे अगर देखते हैं काउंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है अल्लाह पर ईमान ठीक हो गया उसके बाद है आख़रत पर ईमान है रिसालत पर ईमान है फ़रिश्तों पर ईमान और इल्हामी किताबों पर ईमान ये पाँच बुनियादी अकायद हैं ईमान मुफसल आपने उसको भी सुना होगा उसमें भी यही चीज़ आ जाती है कि अमन तबिल्ला ही व मलाई काते ही व कुतुबही व रसुल ही वल योमिल आख़िर फिर आगे आते है वल कदर ख़ै रही वशर रही मिनल्ला ती वलबास बदल मौत तो स्टूडेंट्स तो उसमें भी इसी चीज़ के बारे में बताया थोड़ा सा उसमें जो एडिशन है वो आप मैं आपको बता देती हूँ इन पहले तो पाँच चीज़ों के बारे में इन्हीं अकायद के बारे में है फिर उसके बाद वल कदर खै रही वशर रही मन अल्लाह तलबास बादल मौत इसमें यह बताया कि खैर और शर इस बात पर भी हमारा ईमान है कि खैर और शर जो है ना ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत में अल्लाह ताला की कुदरत से है और अल्लाह ताला के इम में है फिर आगे है बलबाश बादल मौत कि हमारा ईमान इस बात पर भी है कि हमें मरने के बाद दोबारा से जी उठना है हमारा ईमान इस बात पर भी है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पांच बुनियादी अकायद थे कि जिनके बारे में ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि जितने भी पैगंबर आए उन तमाम पैगंबरों ने भी अकायद की ही तालीम दी और हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने भी सबसे पहले जो है यानी इन्हीं अकायद पर ही जोर दिया और इन्हीं अकाद के लोगों को तालीम दी थी इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके सामने जो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज